ये किसी छोटे देश के अर्थव्यवस्था या किसी विकास योजना की धनराशि नहीं है, ये पैसा आपकी जेब से लूटा हुआ पैसा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आपकी जेब से लूटा हुआ पैसा। वैसे इसे लूट भी नहीं, डकैती कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। कांग्रेस ने अपने राज में 70 साल में घोटाले और भ्रष्टाचार से आपकी गाड़ी कमाई के 48 खरब 30 अरब 69 करोड़ रुपए लूटे हैं। 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए, ये इतना सारा पैसा है कि बोलते बोलते जुबा भी लड़खड़ाने लग जाए। 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए से देश की सुरक्षा से लेकर प्रगति तक के न जाने कितने काम किए जा सकते थे। इतने रुपयों में तो 24 INS विक्रांत, 300 राफेल विमान, 1000 मंगल मिशन बनाए या खरीदे जा सकते थे। लेकिन कांग्रेस है तो पंटाधार तो होना ही है। कांग्रेस के घोटालों और भ्रष्टाचार की कीमत देश को चुकानी पड़ी और हमारा देश प्रगति और उन्नति की राह में कांग्रेस की वजह से पिछड़ गया। खैर, फिलहाल हम यहाँ कांग्रेस राज के 70 नहीं, सिर्फ पिछले 10 सालों की ही बात करेंगे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस नीत यूपीए सरकार सत्ता में थी और इसके मुखिया थे मौनी बाबा, ओह माफ कीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भले मानुस इतने भले थे, इनके राज में घोटाले होते रहे और ये साहब नीरो की तरह चैन की बांसुरी बजाते रहे। यूपीए शासन में आकाश से पाताल तक जमकर घोटाले हुए। कांग्रेस की यूपीए सरकार में इतने घोटाले हुए कि ये घोटालों की सरकार ही बन गई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, लगभग 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले, इटली से 12 हेलीकॉप्टर के सौदे में 362 करोड़ रुपए की रिश्वत, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी के लिए 12 करोड़ का घूसकांड। ये वो दिन थे कि अखबार या कोई भी खबर या चैनल खोलिए तो घोटालों और घूसखोरी की खबरें सुर्खियां बटोरती थी और देशवासियों का सिर शर्म से झुक जाया करता था। कांग्रेस के घोटालों की ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। भ्रष्टाचार के मामले में जो इटली की सरकार ने कार्रवाई की है, कांग्रेस के काले कारनामों का अंदरूनी सच आपके सामने लेकर आया है कांग्रेस मतलब करप्शन का ये एपिसोड। आप हैरान रह जाएंगे इस एपिसोड में ये देखकर कि भ्रष्टाचार एक्सपर्ट कांग्रेस पैसों के हेरफेर के डिफरेंट तरीके सोचने में कितनी माहिर है, ऐसे तरीके जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। एक नजर डालते हैं FATF की रिपोर्ट पर। FATF की रिपोर्ट जिसमें अब तक आतंकवाद को फंडिंग करने वाले पाकिस्तान जैसे देशों की केस स्टडीज होती थी, आज उसमें गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की केस स्टडी हो रही है। इसी से जुड़ा है यस बैंक के कोफाउंडर राणा कपूर का बयान जो उन्होंने ईडी को दिया। राणा कपूर ने ईडी के सामने खुलासा किया कि उन्हें प्रियंका गांधी से MF हुसैन की बनाई हुई एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया। पेंटिंग की कीमत 2 करोड़ रुपए थी और इन 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज के लिए किया गया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर का ये भी कहना है कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने उन्हें चेताते हुए कहा था कि अगर वह पेंटिंग खरीदने से मना करते हैं तो गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। मतलब क्लियर था कि उस 2 करोड़ के लिए गांधी परिवार धमकी का भी इस्तेमाल कर रहा था। ईडी की चार्जशीट में राणा कपूर ने यह भी कहा है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए का भुगतान प्रियंका गांधी को चेक से किया था, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। 1 मई 2010 को तत्कालीन यूपीए सरकार में मंत्री मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने राणा कपूर को एक पत्र लिखा जिसके माध्यम से राणा कपूर पर दबाव बनाया गया कि वो पेंटिंग को खरीदने के लिए प्रियंका गांधी को पत्र लिखें। इसके अलावा कई अन्य मैसेज भी नजर आते हैं जिनमें ये साफ देखा जा सकता है कि मिलिंद देवड़ा इस पेंटिंग को खरीदने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, इस पेंटिंग के नाम पर पैसों की उगाही करने के लिए गांधी परिवार की तरफ से
अहमद पटेल ने पद्म भूषण देने का वादा भी कर दिया। बेहद शर्म की बात है। क्या कांग्रेस इस प्रश्न का जवाब दे सकती है कि आखिर कितने राष्ट्रीय सम्मानों को कांग्रेस ने रुपयों से तोला है? कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस काल के घोटालों के इतने किस्से हैं कि कांग्रेस के पास हिसाब ही नहीं है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कोयले की दलाली में हाथ काला। ये कहावत ही नहीं, सच्चाई भी है। साल 2012 में कोयले की दलाली में कांग्रेस का हाथ ही काला नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस की यूपीए सरकार पर कालिख पुत गई थी। बेहद सस्ती कीमतों पर खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। सोचिए जरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्राकृतिक संसाधन कोयला ही कांग्रेस सरकार में जब घोटाले का शिकार बन गया, तो कांग्रेस ने कहां कहां कैसे कैसे घोटाले नहीं किए होंगे। बहरहाल कोयले पर लौटते हैं। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के मुखिया थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने जनता से कई वादे किए थे। हालांकि उनके कार्यकाल में उनके वादों की कम और घोटालों की ज्यादा चर्चा। अभी वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में एक के बाद एक इतने घोटाले सामने आ चुके हैं कि अब तो समझ भी नहीं आ रहा कि इस देश को सिस्टम चलाता है या फिर घोटाले। साल 2004 से 2009 के बीच हुए घोटाले में करीब 100 कंपनियों को नियमों के विरुद्ध जाकर कोयला खदानों का आवंटन किया गया था। बेहद सस्ती कीमतों पर बगैर नीलामी के खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए थे। इस घोटाले से देश को करीब 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस घोटाले में कैग ने तत्कालीन सरकार पर मनमाने ढंग से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कंपनियों को कोयला भंडार के गलत आवंटन की बात कही थी। कांग्रेस ने कोयला कंपनियों के साथ मिलकर जो खेल खेला था, उससे न सिर्फ देश को आर्थिक नुकसान हुआ था, बल्कि देश की छवि भी खराब हुई थी। इस घोटाले का सबसे रोचक पहलू ये है कि 2004 से 2009 के दौरान कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन और प्रधानमंत्री के पास रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वही प्रधानमंत्री जो रिमोट से चलते थे। ठीक पहचाना आपने, उन्हीं मनमोहन सिंह के कोयला मंत्रालय संभालने के दौरान घोटाला हो गया। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। अंतिम रिपोर्ट में ये रकम 1,86,000 करोड़ तक रुकी थी। भारत की जनता का ये काला सोना यूपीए सरकार के दामन पर सबसे बड़े घोटाले की कालिख बन गया। कांग्रेस मतलब करप्शन के